रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर पीएम मोदी पर भड़के ओवैसी। ऑयल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने रोहिंग्या शरणार्थियों के मुद्दे पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर एक बार फिर निशाना साधा। ओवैसी ने बांग्लादेशी, पाकिस्तानी और तमिल शरणार्थियों का हवाला देते हुए सरकार से रोहिंग्या लोगों को भी भारत में रहने देने की वकालत करते हुए कहा कि अगर बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन बहन हो सकती है तो रोहिंग्या भाई बन सकते हैं। क्या ये इंसानियत है कि जिसका सब कुछ लूट गया उसे आपकी हुकूमत वापस भेज देना चाहती है? तस्लीमा बहन तो रोहिंग्या भाई क्यों नहीं? ओवैसी ने कहा कि जब सरकार तिब्बत के बौद्ध शरणार्थी को जगह दे सकती है तो 40,000 रोहिंग्या मुस्लिम को मोदी सरकार वापस भेजने पर क्यों तुली है? केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामे में रोहिंग्या मुस्लिमों को देश की सुरक्षा के लिए खतरा बताया है और कहा कि देश के व्यापक हित में उन्हें वापस भेजा जाना चाहिए। ओवैसी ने पीएम मोदी से पूछा कि कौन से कानून के तहत आप रोहिंग्या को वापस भेजना चाहते हैं? मिस्टर मोदी, आप यूएन की सुरक्षा परिषद में हिंदुस्तान की स्थायी सदस्यता चाहते हैं, तो क्या एक सुपर पावर का ये मिजाज होगा? फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस पर लाइक का बटन जरूर दबाएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।